अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेसियों ने पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में चेतना तिराहा स्थित इंदिरा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा तिरंगा फहराकर सलामी दी। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया जा रहा है, जिसके तहत जनपद में भी चेतना तिराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है तथा पार्टी का झंडा फहराकर उसे सलामी दी गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी में स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद के सभी ब्लॉकों से संदेश पद यात्रा निकाला जा रहा है। इस अवसर पर पार्टी के मीडिया प्रभारी अनिल कुमार सोनकर सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, अध्यक्ष निर्मला पासवान, जिला कांग्रेस गोरखपुर। आज राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का स्थापना दिवस है। अंग्रेजों की गुलामी से दूर करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का आज 28 दिसंबर 1885 में 136वां वर्षगांठ है, जो देश के शांति और राजनीतिक गतिविधियों को देश में शांति फैलाने के लिए राष्ट्रीय स्थापना दिवस के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक जिले में झंडा फहरा करके इसे मनाया जा रहा है। देश में सत्य और अहिंसा की यह एक शान है जो आज राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस है, जिसको हम लोग सभी लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में इसकी पदयात्रा निकाली जा रही है, संदेश पदयात्रा।